आज हम खड़े हैं नेहरू प्लेस में। जैसा कि आप जानते हैं, चीन कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। आइए पूछते हैं दिल्ली के लोगों से कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतीय सैनिकों को। चीन और भारत के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, आप भारतीय सैनिकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आत्मविश्वास उन्हें दें कि वो मतलब खड़े रहें? मैं भारतीय सैनिकों को कहना चाहता हूँ, हमारा हर नौजवान आपके साथ है। भले हम आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ हमारा हर समय, हर वक्त, हर तरह से आत्मविश्वास के साथ और दिल के साथ, और भारत के हर नौजवान के दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार है। जो हमारी रक्षा के लिए आप हम लोग सोते हैं और आप लोग हमारी रक्षा के लिए हमेशा जागते रहते हैं। यही हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और आज हम जिस तरह से घूम रहे हैं उसके कारण सिर्फ आप हैं। और आप सबको 15 अगस्त की बहुत 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 मुबारकें, और आपके परिवार को हम बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका मिलता है आपके कारण, सिर्फ आप लोगों के कारण। भारतीय सैनिक जो अब तक कर रहे हैं और उनका योगदान भारत के लिए रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है और स्मरणीय है। और हार्दिक इच्छा यही कि दोनों देश अगर मित्रतापूर्वक रहते हैं, सीमा पर शांति बनी रहती है तो दोनों देशों के हित में, नहीं तो भविष्य बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच जाएगा। हम लोग यही शुभकामना स्वतंत्रता दिवस पर सबके लिए करते हैं कि शांति बनी रहे, सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स एंड दे आर द वंस बिकॉज ऑफ होम वी आर एबल टू लिव आवर लाइफ पीसफुली। सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर देम एंड लाइक आई रियली सल्यूट देम। भारत के सैनिकों को आत्मविश्वास दिलाने के लिए आप क्या मैसेज चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए वो क्या नाम है, अपनी जान पे खेल जाते हैं, अपनी जान देते हैं। कश्मीर में इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, बहुत से हमारे युवाओं सेनाओं की सैनिकों की जान गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या नाम है, हमें भी थोड़ा उनके लिए कुछ करना चाहिए और क्या नाम है, थोड़ा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये बोलना चाहूँगा। मैं तो यही चाहूँगा कि अपने भारतीय सैनिक बहुत बढ़िया रहें और अपने भारत के प्रति सब कुछ भारतीय सैनिक के लिए हो सब कुछ। मतलब मैसेज यही है क्लियर कि चीन की तो नीति दुष्ट वाली है, ठीक है, उनको मुँह तोड़ जवाब देना है, पीछे नहीं हटना है, चीनी सैनिकों से डट के मुकाबला करना है, और हमारी दुआएं और हम उनके साथ हैं। बस भारत सेना को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपना काम आप अच्छे से कर रहे हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप अपना काम करते रहें। दूसरे देश जैसा करना चाहते हैं, हमें अगर नुकसान पहुंचाना चाहते तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब दें। मैं कहूंगा बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जटी रहें, बिल्कुल लगी रहें, और देश के लिए पूरे देश उनके साथ है। जिस तरीके से भी वो कहेंगे, हम सब लोग उनके साथ हैं, जो चाहेंगे वो करने को तैयार हैं उनके लिए। बस सेना हमारी डटी रहे, जो भी होगा हम तैयार हैं उनके लिए। नहीं, ऑनेस्टली बात यह है, मेरा मैसेज देने से पता नहीं कितने लोग जागेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन को आप अभी, मैं जितना भी गुस्से में हो जाऊँ, कुछ भी बोलूँ, फ़र्क नहीं पड़ता आगे। अगर मैं एक्शन लूँगा तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे मेरे खड़े रहने से मुझे नहीं लगता कहीं फ़र्क जाएगा कहीं। और अगर हम इतने जोश में आके बोल दें कि हाँ वॉर होनी चाहिए, वो हम इसलिए हम एक्चुअली अब सोचते हैं कि हाँ वॉर होगी, पर उसका इम्पैक्ट यहाँ तक भी आएगा। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके बेटे भाई जो वहाँ पे हैं, जिनके पिता भी वहाँ पे जो आर्मी में हैं, उनके लिए तो एक अलग फीलिंग होगी ना, क्योंकि वो थोड़ा चाहेंगे कि वॉर हो। तो हमें अपने से पहले उनके लिए भी सोचना चाहिए, और अगर वॉर होगी तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज उनकी भी आर्मी स्ट्रांग है, वो यहाँ तक भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। अपना भी क्या, वहाँ पे कितनी इनोसेंट फैमिलीज अटैक होगी। सो ऑफ कोर्स कई बातों पे वायलेंस सोल्यूशन होता है, मैं मानता हूँ, बट इस वक्त मतलब अगर हम वहीं सोचेंगे कि हाँ वहाँ पे जो होना ठीक है वॉर हो जाए, मुझे लगता है वो सोल्यूशन नहीं रहेगा। मुझे अभी भी ये लगता है, क्योंकि आई थिंक डिस्कशन से बात बन सकती है। ऑफ कोर्स जो उस साइड भी जो दूसरी देश कर रही है गलत है, क्योंकि जितना हम मतलब मैं न्यूज़ में जो पढ़ रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं कितना सच है कितना फिल्टर है, बट गलत तो वो भी है। बट अब सोल्यूशन, मैं इतना तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं होता तो मैं शायद गवर्नमेंट में होता, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बस सोल्यूशन कोई और निकलना चाहिए आई बिलीव, क्योंकि अगर हमारी किसी भी पंगा होता तो आई डोंट थिंक सो कि मानना ही ज़रूरी होता है। बात करने से यू नो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए तो सही रहता है, मेरा मानना ये है। हम भारत के सैनिकों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमारे देश की तरफ से पूरे जोर शोर से चाइना के साथ युद्ध करें, और अगर चाइना की कोई भी हरकतों पर पूरी निगरानी रखें, और उनसे कभी भी हमें लोहा लेने की ज़रूरत है तो हम सब हमारे सैनिकों के साथ हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना इतना
पेशेंस वहाँ पे खड़े रहना डेढ़ महीने से दो महीने से. मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि शांति से रहना चाहिए और ये वॉर वॉर करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि टिल एंड हमें एक ही होना है. मैं अपने भारतीय सैनिकों से ये कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल डट कर खड़े रहे और हमेशा की तरह जैसे हमारे भारत को आज़ादी के टाइम पे उन्होंने पूरा फोकस किया था वैसे ही वो अभी भी करें और जितना हो सके उतना करें. हाँ जी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहें, जो भी हमारे सेना जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम भारतवासियों के लिए, तो सब खुश रहें, मिलजुल के रहें, सब में एकता बनी रहें. वी प्राउड टू बी इंडियंस. जय हिंद. जैसे कि आपने देखा, भारतीय लोगों ने भारतीय सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई और हौसला अफजाई करा. मैं फैजान खान, अलाइव 24 न्यूज़, दिल्ली. लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें.